आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। बेमौसम बारिश ने किसानों को एक बार फिर निराश कर दिया है। खरीफ की फसलों के नुकसान के बाद अब रबी की फसलों में बेमौसम बारिश की मार होने से किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अब पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर हो गए हैं। मुगिली जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। यहाँ लगभग 80% लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। कुछ दिन पहले हुए बेमौसम बारिश से रबी की फसलों में भारी नुकसान हुआ, जिससे जिले के किसान काफी हताश और निराश हैं। पहले बारिश नहीं होने की वजह से खरीफ की फसलों में भारी नुकसान हुआ था, पर किसानों ने हार न मानते हुए रबी की फसलों का सहारा लिया। मगर बेमौसम बारिश और ओले गिरने से एक बार फिर किसान हताश और निराश हो गए हैं। चना, गेहूं, तिवरा और मसरा है और बटरी भी है, वो करा पानी के नाम लेके ना बहुत नुकसान हो गए है। पूरा सूद सूद गए है, माटी चढ़ चढ़ गए है करा पड़े तब, और बहुत हानि हुआ है। और पानी के वजह से ना जो चना है उसमें कुछ कीड़ा आ रहा है, डंक आ रहा है। हल्का फुल्का जो हरा वाले जो पौधा में फसल फल है उसमें कीड़ा खा रहा है उसको, उससे हम किसान को बहुत नुकसान है। किसानों की माने तो सरकार द्वारा फसल बीमा योजना किया गया था, मगर खरीफ की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में रबी की फसल बर्बाद होने से उनको जीविका चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हाँ, जिसे कि अब हमारे फसल तो नुकसान हो गए है, अब हो गए है, वो साथ साथ हम सरकार बीमा भी करवा रही से, तब बीमा के तो भाई अब मुआवजा देवेज करी, जो भी है फसल की नुकसानी वो है मुआवजा वो तो देना है पड़ी, और क्या है बीमा भी करवा रही से, तो बीमा के पैसा आज तक की नहीं दिए। तब इस समय तो दोनों फसल का नुकसान हो गया है, धान भी वैसे भी हमारे यहाँ नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ तो क्या है फसल बीमा का पैसा दे, और बीमा करवाते हैं, बीमा करवाने से क्या फायदा है, जब मुआवजा नहीं दे रहा है तो भाई बीमा का पैसा तो देना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार किसानों के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन किसानों तक योजनाओं का लाभ समय रहते नहीं पहुंच पाता, जिससे उनको संघर्षपूर्ण जीवन बिताने की मजबूरी हो गई है। किसान अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर निगाहें टिकाए हुए हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि कब तक किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।